गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आल्सो कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर। ओके, इट इज आल्सो मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। और ये मोस्टली दो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है मेजर किया जाता है। एक होता है एनेरॉइड बैरोमीटर और सेकेंड वन इज फोर्टिस बैरोमीटर। ओके, सो अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है तो जाहिर सी बात है किसी यूनिट में मेजर किया जाता होगा। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कई सारे यूनिट्स में मेजर किया जाता है जिनमें कि इंच, सेंटीमीटर, पाउंड और मिलीबार होते हैं। लेकिन जनरली या फिर अगर हम बात करें कि जो जो मोस्ट कॉमन यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की, दैट इज मिलीबार। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? यह है फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय एन एटमॉस्फेरिक कॉलम, दैट इज द एंटायर बॉडी ऑफ एयर अबव द स्पेसिफिक एरिया और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया पर जितना भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये जो सी लेवल पर जो कैलकुलेट किया गया है दैट इज 1013.2 मिलीबार पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि अगर कोई एरिया 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है सी लेवल पर तो फिर उस पर जो है 1013 मिलीबार का जो है प्रेशर पड़ रहा है। सो अगर इस मिलीबार को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिलीबार इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर सी लेवल की बात करें तो सी लेवल में पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो है आपका 1013 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। ओके, अगर हम जैसे एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि अगर अगर हम एक ह्यूमन को लें और उस ह्यूमन का जो जो हेड है, जो सर है, उसका डायमीटर मान लीजिए कि वो 6 मीटर लंबा और 4 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसका जो हेड है उसका क्या कहते हैं जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस 64 सेंटीमीटर सॉरी 64 नहीं 24, ओके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना पड़ रहा है? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 24 पर कितना पड़ेगा? 24 kg। तो इस तरीके से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकेंड क्या है, एज वी मूव अपवर्ड इन द एटमोसफेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम एटमोसफेयर में ऊपर जाते हैं जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज करता जाता है। मतलब कि हाइट के साथ जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसका कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जब हाइट बढ़ रही है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद अगर अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर एक पर्सन है वो किसी बिल्डिंग के बाहर है तब उस पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, और अगर बिल्डिंग के अंदर है तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, और क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर और बाहर दोनों जगह सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? ठीक है, तो कोई बता सकता है इसको? सेम होगा सर। सेम क्यों यस होगा? सर, नहीं तो मतलब क्रैश हो जाए सेम क्यों होगा? सर। जी का बोलूं तो हमारे सब जगह सेम, क्या चीज? सब पे तो कांस्टेंट फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबका एक ही सर बराबर होगा सर।
लेकिन मान लीजिए जैसा मैंने बताया कि जो एटमॉस्फेयर का किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे जो प्रेशर पड़ता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान है वो अगर बिल्डिंग के बाहर खड़ा है तो जाहिर सी बात है उस पर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, लेकिन वही अगर अंदर आ जाता है तो जो एटमॉस्फेयर तो बिल्डिंग के बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बिल्डिंग ने रोक लिया, और उसके ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, जो बिल्डिंग और उसके सर के बीच में जितना एटमॉस्फेयर है उसी का प्रेशर पड़ना चाहिए ना। नहीं ऐसा, अच्छा नहीं ऐसा है कि नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा नहीं है, चाहे आप बिल्डिंग के बाहर रहें चाहे बिल्डिंग के अंदर रहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि वो फ्लूइड होता है। हाँ फ्लूइड तो होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी भी सीधा ऊपर से नहीं पड़ता है, वो चारों तरफ से पड़ता है, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको? चाहे कोई भी पर्सन है, चाहे वो बिल्डिंग के बाहर हो या फिर बिल्डिंग के अंदर हो, उस पर जो है सेम ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, ओके। अब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाने या बढ़ाने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, ओके। मेनली दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फैक्टर और एक होता है मैनमेड फैक्टर, ठीक है। तो हम दोनों देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे घटता या बढ़ता है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका जो नेचुरल फैक्टर है उसमें टेम्परेचर आता है। सो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये लैंड है। जो सन से जो भी हीट आती है, ओके, तो क्या है कि वो जितनी ज्यादा डिस्पर्स हो रही है यहां पर जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी या हाई होगी किनारों पर? लो होगी। और जो सीधा एकदम जहां पे पड़ रही है वहां पर उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। हाई होगी मतलब कि वहां पर टेम्परेचर जो है हाई होगा। यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर होगा। और जो जैसे आपका मान लीजिए पोल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर लो। और आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कहीं किसी भी प्लेस का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां की हवा गर्म होकर क्या होती है, वेपराइज होकर ऊपर उठती है, हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है। जब हवा ऊपर उठेगी तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, और उसको फील करने के लिए दूसरे क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। मतलब कि जहां पर हाई टेम्परेचर हो रहा है वहां पर क्या है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जहां पर लो टेम्परेचर हो रहा है वहां पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, ओके। सो टेम्परेचर का और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है ये रिलेशनशिप है। उसके बाद हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो होता है। एटमॉस्फेयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर बनता है वो गैस, डस्ट और वेपर का जो है कंपोजिशन होता है। सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर डिफाइंस द प्रेशर। एग्जाम्पल, लेस प्रेशर इन डेजर्ट एरिया बिकॉज ऑफ क्लियर एटमोस्फेयर। ओके, अब क्या है, जैसे अगर हम लैंड की बात करें, और सॉरी एक ऐसी जगह की बात करें जहां पर कि बहुत सारा धूल है या फिर गैसेज हो रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर अगर हम एक ऐसी जगह की बात करें जैसे डेजर्ट की बात करें, तो क्योंकि डेजर्ट के ऊपर का जो एटमोस्फेयर होता है वो काफी क्लियर रहता है, और काफी क्लियर रहता है तो वहां का एटमोस्फेयर कैसा होगा, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, कम जैसा डेजर्ट हो गया, ओके।
डेजर्ट है, डेजर्ट के ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वेदर होता है या फिर वहां का जो एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा एकदम क्लियर रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैसेस या फिर आपका वेपर है ये सब नहीं रहती है। जब गैसेस और वेपर नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। यस सर, ठीक है, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी जो है एटमॉस्फेरिक सॉरी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस तरीके से जो है उसके हिसाब से कम या ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है, ओके, एज वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड एट द सेम रेट प्रेशर डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। So, what will be the relationship between temperature and pressure? Okay, अभी यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं? हाँ, हेलो सर, कुछ पूछ सकते हैं? हाँ, एक या फिर क्लास हो जाती है फिर पूछ लेना, ठीक है? यस, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, सो इसमें इसमें क्या है कि जैसे ही हम दो एरिया है, मान लीजिए एक सी एरिया है और दूसरा क्या है माउंटेन एरिया है, ओके, सो सी एरिया पर आपका हमेशा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होगा, और जो क्या कहते हैं जो माउंटेन एरिया होता है वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहां पे कम होता है, ठीक है। जैसे कि अब क्यों कम होता है, मान लीजिए कि ये आपका जो है एक माउंटेन एरिया है और इधर इधर में ये आपका सी है, ठीक है। तो अब क्या है, सी का जो है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या हो गया, जैसे गैस हो गई, डस्ट हो गया, वेपर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है उनका जो क्या कहते हैं कंपोजिशन ज्यादा होगा, और उसके बाद में अगर हम पहाड़ों पे ऊपर गए तो क्या होगा, हाइट क्योंकि बढ़ रही है तो एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पे गैस, डस्ट और वेपर इन कंपेरिजन टू सी जो है इनकी क्वांटिटी माउंटेन पे कम होगी, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जो आपका एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट और ज्यादा कम हो जाएगी, तो वहां पर गैस हो गया, डस्ट हो गया और वेपर हो गया, उनका भी जो है अमाउंट हो जाएगा वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्योंकि ज्यादा अमाउंट में सी लेवल पे ज्यादा अमाउंट में गैस, डस्ट, वेपर आपके पाए जा रहे हैं, तो वहां पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई रहेगा, लेकिन वहीं पर जब भी जैसे ही हम ऊपर समुद्र पे जा रहे हैं, सॉरी माउंटेन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये लो होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकलता है कि इससे पहले हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका कैसा रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप था, ठीक है। मतलब कि जहां पर हाई टेम्परेचर हो रहा है वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, और जहां पर लो टेम्परेचर है वहां पर आपका हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। लेकिन यहां पर जो है हम जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा और उसके साथ साथ जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर तो आप मान लीजिए कि क्वेश्चन में आ गया कि टेम्परेचर और जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कैसा रिलेशनशिप है, तो आप वहां पर क्या आंसर देंगे, इनवर्सरी रिलेशनशिप है या फिर प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सर वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा ना कि माउंटेन के लिए कंडीशन है ये? नहीं, मान लीजिए कि सिर्फ ये क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है, आपको फोर ऑप्शंस दिए गए, इनवर्सरी रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, या फिर एक और कोई आंसर हो गया और एक आ गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो क्या आप आंसर देंगे उसको? इनवर्सली। क्यों इनवर्सली क्यों 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 सही होगा वो? क्योंकि वो सब जगह पे अप्लाई होता है। सर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ज्यादा है वर्टिकल की तुलना में, अब वो कंडीशन दे सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है या वर्टिकल है? पहाड़ों पे ज्यादा लोग रहते हैं या फिर जो फील्ड एरिया है वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं? प्लेनी एरिया में हम लोग ज्यादा रहते हैं।
जो प्लेन एरिया है वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज ज्यादा ज्यादा इम्प्लाई होती है, ठीक है, उसको ही जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर और एटमोस्फेरिक प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है, तो वहां पर हम क्या देंगे, इनवर्स रिलेशनशिप है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर घटता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है दैट इज विंड, क्या है, लेस प्रेशर बिकॉज ऑफ मूविंग एयर कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीजेस द प्रेशर, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कहीं एक स्थान पर, किसी एक प्लेस पर जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, लेकिन एक साइड से हवा है, तो हवा क्या है अपने साथ साथ में जो एटमोस्फेयर का कंपोजिशन है उसमें जो भी गैसेस हैं, वेपर हैं या फिर डस्ट पार्टिकल हैं, तो फिर अपने साथ में भी उनको जो है उड़ा करके ले जाएगी। तो क्या है, जब उड़ा करके ले गई तो वहां पर क्या उतना एरिया खाली हो गया, जिससे कि वहां का एटमोस्फेयर प्रेशर जो है कम हो जाएगा। सो ये आपके कुछ जो है नेचुरल फैक्टर्स थे जो कि एटमोस्फेयरिक प्रेशर को अफेक्ट कर रहे थे। उसके बाद में कुछ मैनमेड फैक्टर्स हैं जो कि एटमोस्फेयरिक प्रेशर को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको उनमें हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिक्रीजिंग एट द प्लेस ऑफ लोकल वार्मिंग। ओके, अब क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर और एटमोस्फेरिक प्रेशर में जो रिलेशनशिप था उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पर्टिकुलरली उस जगह पे जहां पर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, ठीक है, या फिर जहां से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हुई है, तो ऐसे प्लेस जहां से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हो रही है या फिर जहां पर ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो जगहों को हम लोकल वार्मिंग भी कहते हैं। तो ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर जो आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा वहां पे। ओके, देन CO2 इंक्रीज। अब क्या है, CO2 बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका हो रहा है उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं जिससे कि काफी सारा CO2 जो है एटमोस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि CO2 एक हैवी गैस है, ठीक है। तो जहां जहां पर CO2 की का अमाउंट जो है ज्यादा होगा वहां का एटमोस्फेयरिक प्रेशर जो है ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है डस्ट इंक्रीज। सो डस्ट इंक्रीज इसमें क्या है, डिफरेंट एक्शंस लाइक यूज ऑफ डायनामाइट, ओके, जैसे माइनिंग की जाती है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए डायनामाइट्स का यूज किया जाता है। उसके बाद सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है, तो सैटेलाइट्स में भी क्या होता है, काफी सारा डस्ट जो है निकलता है। उसके बाद बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता रहता है, तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंट में काफी ज्यादा जो है डस्ट पार्टिकल्स जो है उनका जो एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स का अमाउंट जो है काफी बढ़ रहा है, और जिससे कि जो एनवायरनमेंट में सॉरी जो एटमोस्फेयर का एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज वेपर इंक्रीज। सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक तो आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या है कि आपका जो झीलें हैं, लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, जो जो डैम्स बनाए हुए हैं जहां पर कि वाटर को होल्ड करके रखा जाता है, वहां से क्या है ज्यादा अमाउंट में जो है वेपर बनेगा और वो एटमोस्फेयर में जाएगा। ओके, सो ज्यादा एटमोस्फेयर में वेपर जा रहा है जिससे कि जो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स थे, ह्यूमन और जो नेचुरल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट हो रहा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।